हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम अव्युत एकेडमी और जॉब इंटरव्यू के जिस इंपॉर्टेंट सवाल को आज हम लेने जा रहे हैं वो है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस सवाल को हैंडल करने का तरीका पता चल सके। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जॉब इंटरव्यू के जिस सवाल पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। इस सवाल का जवाब अगर आप सही ढंग से तैयार नहीं करते हैं तो जब ये सवाल आपके से पूछा जाता है तो आप कुछ असमंजस में पड़ जाते हैं और इसका उचित जवाब नहीं दे पाते। अतः आपको प्री हैंड इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए और प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए। सवाल यह उठता है कि इंटरव्यूअर आखिर आपसे ये सवाल पूछता है, तो वो इस सवाल से ये जानना चाहता है कि क्या आप कभी प्रेशर के अंदर काम किए हैं और प्रेशर के अंदर काम करते वक्त क्या आपने पैनिक किया है या शांत रहते हुए अपना रिजल्ट दिया। दूसरा, कुछ काम के अंदर इतना प्रेशर होता है कि जो उसे कर रहा होता है वो कभी कभी पैनिक करता है या इमोशंस शो करता है, यानी एंजाइटी वगैरह शो करता है। तो इन दोनों बातों को जानने के लिए ही यह सवाल इंटरव्यूअर कैंडिडेट से पूछता है। अब हम जान गए हैं कि इसका मकसद क्या है तो इसका जवाब भी हम आसानी से दे सकते हैं। हमें अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के काम में ये बताना पड़ेगा, उदाहरण वहां से देना पड़ेगा कि हमने कौन कौन सा काम क्राइसिस में किया है और उसमें हमने रिजल्ट कैसे डिलीवर किया है। साथ ही हम ये बता सकते हैं कि हम जब भी कोई काम लेते हैं तो हमारी प्लानिंग ऐसी होती है कि हम उसमें क्राइसिस को और प्रेशर को ध्यान में रखकर ही उसकी प्लानिंग करते हैं ताकि हम पे कोई पैनिक न क्रिएट हो या हम कोई एंजाइटी न शो करें और हमारे काम की क्वालिटी न गिरे, साथ ही वातावरण ना खराब। तो इसका जवाब हम इस तरह दे सकते हैं, सर My approach to every work, whether it is to be completed within a short period or a long term, is that I invest some time pre-hand in its proper planning and I take in the minutest detail of implementation or execution of the task provided to me. Moreover, I am a man with cool temperament. I never panic. Nor do I show anger and anxiety. I am always with a smile on my face. This further helps to create a positive environment amongst my team and colleagues. I never blame anybody for any crisis or delay. Rather, I make a solution-solving approach towards all the problems and extend my helping hand even to those who are in bit trouble. All these positive environment, smiling face, approach towards the task and my perfect planning helps me to always overcome any crisis which comes because I had already made preparations or a standby planning how to overcome it. And in this way, all the pressure which come because of my temperament, my behavior, my attitude, and my approach towards the work is always overcome and I always deliver the best quality of the product or services of my company to the client or customer. In this way, I always overcome the pressure and anxiety which comes due to the crisis or when we have to meet the deadline and the task is not being completed or is being delayed. So this helps me to overcome it. Sir, if you give me an opportunity, I will be delivering the best of my work even under the pressure. Thank you. दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा प्रोत्साहन है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है। आपके कमेंट्स को मैं खुद देखता हूँ और जवाब देता हूँ, इसलिए आप अपने कमेंट्स लिख के भेजें ताकि मैं आपके विचारों को समझकर आपके जरूरत के अच्छे वीडियो बना सकूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके।
सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।